श्रीमन उद्योग और व्यापार के मामले में भारतवर्ष में बहुत समय से बराबर एक संतुलन चला आ रहा था और देश में इस बात की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि देश की जो आर्थिक गतिविधि है उसको यदि इसी प्रकार चलने दिया जाए तो देश में उद्योग की प्रगति बिल्कुल रुक जाएगी और इस प्रकार के उद्योगों की प्रगति के बारे में बहुत से आर्थिक समीक्षकों तथा आर्थिक समस्याओं का ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार प्रकट किए और बहुत से लोगों ने इसमें महत्व पर और व्यवहारिक पहलू पर नीति और सिद्धांत के रूप में विवेचन किया। बहुत से मित्रों ने कुछ थोड़े से उद्योगपतियों के घरानों को सामने रखकर बातें कहीं और इस बिल को बनाने में अपना सहयोग दिया। हमने भी इस विषय में अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि देश इस समय औद्योगिक क्रांति के युग से निकलता जा रहा है और इस समय ना तो यह अच्छा होगा कि हम ऐसा कानून बना दें कि जिस कानून के जरिए से जो उद्योग में रुचि लेते हैं या जो उद्योगपति हैं उनके हाथ पैर को इस तरह से बांध दिया जाए कि वे आगे ही ना बढ़ सकें और ना हम इस मत के हैं कि उनको स्वच्छंदता के साथ इस कदर आगे बढ़ने का मौका और अवसर दिया जाए जिससे कि देश की जितनी आर्थिक स्थिरता है वह सारी की सारी नष्ट हो जाए। हमने इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग चुना है। श्रीमन, इसके पहले इस सदन के और लोकसभा के कुछ माननीय सदस्यों ने किन्हीं एक दो उद्योगपतियों के विषय में विवेचना की थी और उसके परिणाम स्वरूप एक कमीशन का निर्माण हुआ था। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देते समय यह बताया था कि देश की प्रगति में और औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति में जो एक विशाल अवसर मिलने का संयोग हुआ है उसका केवल थोड़े से उद्योगपतियों के घरानों को श्रेय है जिनके कारण उद्योग में भारतवर्ष आगे चला जा रहा है और कमीशन ने इस बात को स्वीकार करते हुए भी आगे यह बात बतलाई है कि देश में जो इस प्रकार के उद्योग की प्रगति चल रही है उसमें दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। एक प्रकार की विचारधारा तो ऐसी चल रही है कि केवल धन से ही धन कमाया जाए और जिन लोगों के पास अधिक धन है वे ही सारे औद्योगिक क्षेत्र पर अपना कब्जा कर बैठें। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार की जो मानसिकता देश में साधारणतः चल रही थी कि यहाँ का जो उपभोक्ता है उसके पास सामान उतनी सस्ती दर पर ना दिया जाए कि जितना किसी उद्योग से निकलकर सर्वसाधारण के हाथ में सामान पहुंचाया जा सकता है, बल्कि उनके उद्योग की जो मनोवृत्ति थी वह मनोवृत्ति एकाधिकार की थी। उस एकाधिकार को अगर आगे भी इसी तरह से रखा गया तो निश्चित रूप से यह उद्योग सर्वसाधारण के लिए नहीं होगा और उसके साथ साथ देश के तमाम औद्योगिक संगठनों को भी नुकसान पहुँचे।
महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें एक सबसे बड़ी खतरनाक बात कही गई है। मैं नहीं समझता कि किस दृष्टि से उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है संस्कृत के सिवाय जो बोली जाने वाली भाषा नहीं है, बाकी सभी भाषाएं जो संविधान की 8वीं सूची में हैं। उपसभा अध्यक्ष महोदय, ठीक है कि आज भारतवर्ष में संस्कृत भाषा बोली जाने वाली भाषा नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन यह भी तथ्य है कि भारतवर्ष में एक टाइम था जबकि संस्कृत भाषा ही हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में थी, परंतु काल की गति के साथ संस्कृत भाषा समाप्त हो गई। लेकिन इस तथ्य से कोई मुकर नहीं सकता। यहाँ तक कि विदेशी विद्वानों ने, जिन्होंने भारतवर्ष के संबंध में ग्रंथ लिखे हैं, वे इस बात को जानते हैं कि भारत की मूल सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और इतिहास की अथाह साहित्यिक निधि भरी पड़ी है, वह संस्कृत साहित्य में है। स्वर्गीय पूज्य महात्मा गांधी जी की भी यह अभिलाषा और कामना थी कि हम आज़ादी के बाद जो अंग्रेजी ने हमारी सभ्यता, साहित्य और इतिहास को मारने की चेष्टा की है, उसे जागृत करेंगे, उसका पुनरुद्धार करेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ मैं यह समझता हूँ और पूज्य महात्मा गांधी जी के प्रवचनों को जहाँ तक मैंने समझा है और उनकी भावना यही थी। वे यह कहते थे कि हमें इस देश को राम राज्य बनाना है। उसके माने इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं थे कि इस देश की भाषा, इस देश की संस्कृति, इस देश के साहित्य और इस देश की सभ्यता के आधार पर हम अपने देश के ढांचे को खड़ा करेंगे। यह उनकी भावना थी। मैं समझता हूँ कि इस देश के साहित्य को समझने के लिए, इस देश की संस्कृति को समझने के लिए, इस देश के इतिहास को समझने के लिए हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सभी भाषाएं मूल्यवान हैं, परंतु मैं यह बात भी इस सदन में बता देना चाहता हूं कि संस्कृत भाषा संसार की अधिकांश भाषाओं की जननी है, मातृभाषा है और सबके मूल शब्द संस्कृत भाषा में हैं। श्रीमन, यह जो विधेयक आया है उस विधेयक से कोई समाजवादी बात नहीं की जा रही है। हालांकि कुछ लोग समझते हैं कि राष्ट्रीयकरण करना ही समाजवाद है, लेकिन सरकार समझती है कि समाजवाद और राष्ट्रीयकरण ये पर्यायवाची हैं और इससे दोनों काम हो सकते हैं और वही यह करने जा रही है। जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके स्वार्थों की रक्षा करने के लिए, उनके स्वार्थ को उचित स्थान देने के लिए यह राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। सरकार ने अभी हाल में जो संविधान में संशोधन किया है, उसके द्वारा अब किसी भी चीज़ को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है और इस तरह से सरकार ने कोर्ट के भी दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार जो इस तरह की कार्यवाही कर रही है उसके बारे में जनता को समझाना चाहिए।